और इस बीच भारत समाचार पर बड़ी खबर है, चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली लड़की मिल गई है। इस बीच बड़ी खबर है भारत समाचार पर, सबसे बड़ी खबर, चिन्मयानंद पर आरोप, जिस लड़की, भारत समाचार पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इस वक्त उत्तर प्रदेश के डीजीपी हमारे साथ जुड़े हैं। ओपी सिंह जी, आपका भारत समाचार पर बहुत स्वागत है। जो चिन्मयानंद पर जिस लड़की ने आरोप लगाया था सर, उसे आपने बरामद कर लिया है? बिल्कुल, अभी मुश्किल से 10 मिनट पहले हमने उसको राजस्थान से बरामद किया है और अभी हमारे पास बहुत सारे डिटेल्स नहीं है। हमारी टीम कई जगहों पे गई थी, टीम हमारी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान और आसपास के इलाकों में काम कर रही थी, हरियाणा में भी, और पिछले 3 दिनों से हम इस पर लगे हुए थे, पल पल की जानकारी ले रहे थे। अभी 10-15 मिनट पहले हमारी सफलता मिली है, हमने राजस्थान से उस लड़की को बरामद किया है, उसके साथ उसका दोस्त भी है और उसको पूरी वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, उसको हम उत्तर प्रदेश लाएंगे और उससे फिर पूछताछ होगी। बिल्कुल ओपी सिंह जी, हम बिल्कुल जानना चाहते हैं, चूंकि आपको अभी थोड़े दिनों पहले फिक्की में अवार्ड भी मिला है, तो क्या कैसे आपको ये क्लू मिला कि वो कहाँ पर है, ये जरा प्लीज बताइए। ये बताना अभी मुश्किल है क्योंकि ये सब गोपनीय ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन इतना ही अभी है कि सिर्फ 10-15 मिनट पहले हमने उसको बरामद किया है और उस पर सारी कार्रवाई की जा रही है। जो डिटेल्स होगा फिर आपको मैं बताऊंगा। नहीं ओपी सिंह जी, ये मैं जानना चाहूंगा कि आपने कहां से बरामद किया, आपने किस टीम को लगाया? मैंने कहा राजस्थान से हमने बरामद किया है उसको। अच्छा, आपने कितनी टीमों को लगाया था इसमें सर? ये मैं बाद में आपको डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन अभी हमारी सबसे बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश पुलिस की कि हमने पिछले 5 दिनों से इस पर काफी वर्क किया है, अपने एसटीएफ को और अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस और भी कई टीमें हमारी लगी हुई थी और उन टीमों का जगह जगह पे हमने प्री पोजिशनिंग कर रखा था। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के माध्यम से हम सभी कॉल डिटेल्स को एनालाइज कर रहे थे, उसकी एनालिसिस कर रहे थे, तो इन सब के फलस्वरूप हमारी मेहनत के कारण, हमारी टीम की मेहनत के कारण वो लड़की अंततः बरामद हुई है। बिल्कुल ओपी सिंह जी, पिछले अगर जनवरी से, थैंक यू सो मच ओपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह हमारे साथ जुड़े, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि अब से 10 से 15 मिनट पहले, थोड़ी देर पहले, और ओम प्रकाश सिंह जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। ओपी सिंह जी, जनवरी से लगातार ये देखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो क्विक रिस्पॉन्स टाइम है उसमें बहुत कमी आई, यानी बहुत त्वरित गति से काम कर रही है, इसके पीछे क्या वजह है सर? मेहनत, कड़ी मेहनत और डेडिकेशन, और हमारे हरेक अधिकारी जो है लीडरशिप की भावना से काम कर रहे हैं और यही कारण है कि हमने पिछले 5 दिनों से काफी मेहनत कर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस को किस प्रकार एनालाइज किया जाता है, उसके कॉल डिटेल्स को कैसे एनालिसिस किया जाता है और कैसे मूवमेंट्स को हम ट्रैक कर रहे हैं, कैसे हमने एसटीएफ को इस सर्विसेज में लगाया, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैसे लगी रही, कैसे हमने टीम का सिलेक्शन किया, टीम को कई जगहों पे भेजकर उससे कार्रवाई कराई, हमारी टीमें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कई जगहों पे लगी रही और पल पल की जानकारी पुलिस हेडक्वार्टर से हम लेते रहे और अंततोगत्वा हमें लड़की को ढूंढने में और उसको बरामद करने में सफलता मिली। और बिल्कुल यही वजह है कि दूसरे स्टेट की पुलिस भी इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस से लगातार सीख रही है और आपके जो पुराने अनुभव हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस को काम आ रहे हैं सर। एब्सोल्युटली, आप सही कह रहे हैं और इसके प्रोफेशनल एक्यूमेन के कारण और हमारे जो टीम वर्क है उस टीम वर्क के कारण ही हम लोग सफलता को पा पाए हैं। सर, क्या राजस्थान पुलिस की भी मदद आपने ली थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने राजस्थान पुलिस की नहीं, हमारी अपनी स्ट्रांग टीम थी जिसका एनालिसिस हम कर रहे थे और उसके बावजूद हमने अपने ढंग से और अपनी अपनी पूरी टीम वर्क के साथ हमने उसको उस पर काम किया है। सर, एक मतलब मैं बिल्कुल जो गोपनीय बात है वो नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन कोई एक बात जिससे आप तुरंत पहुंच गए हो जो दूसरे स्टेट की पुलिस भी जाने और समझे, कोई एक क्लू? देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को इंडिकेशंस मिल रहे थे, वो इंडिकेशंस ऐसे थे जिससे ये लग रहा था कि ये किडनैपिंग का केस नहीं है और लड़की ने ये आरोप लगाए थे कि ये किडनैपिंग, लड़की के फादर ने ये आरोप लगाया था कि किडनैपिंग का केस है, लेकिन राइट फ्रॉम द बिगनिंग हमें ये मालूम था कि ये किडनैपिंग का केस नहीं है और यही कारण है कि स्वेच्छा से कई कई जगहों पर अपने लोकेशंस को चेंज कर रही थी और उस लोकेशंस को हम दिनों दिन ट्रैक कर रहे थे, पल पल हम उसकी जानकारी ले रहे थे और अंततोगत्वा हमें राजस्थान में वो लड़की मिली जिसको हमने ट्रैक किया। यानी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को आगे रखी हुई है।
जो आपकी सोच भी है और जिसे आप अमल में लाने के लिए कहते भी ओपी सिंह जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भारत समाचार से बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह इस वक्त थोड़ी देर पहले भारत समाचार से बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी सफलता है, भारत समाचार पर आप सुन रहे हैं। वीडियो वायरल करके छात्रा गुम हो गई थी और इन्होंने पूरी डिटेल बताई, पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है और उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने यह भी बताया कि ये लोकेशन बार बार बदल रही थी और लोकेशन बार बार बदलने में उत्तर प्रदेश पुलिस को हर बार लोकेशन ट्रेस करने में आसानी हो रही थी, यानी लड़की कहां पर है ये आसानी से पता चल जा रहा था। और इस बीच बड़ी खबर है, आरोप ये था कि किडनैपिंग का बार बार आरोप लग रहा था कि अपहरण किया गया होगा, लेकिन इस बात पर ओम प्रकाश सिंह यानी डीजीपी ओपी सिंह कह रहे हैं वो क्लियर थे, उन्हें इस बात की जानकारी थी और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आखिरकार उस लड़की को बरामद कर लिया है जिसने चिन्मयानंद पर आरोप लगाया था। भारत समाचार पर ये सबसे बड़ी है, यानी इस वक्त दोपहर की सबसे बड़ी खबर आप भारत समाचार पर देख रहे हैं। पीड़ित छात्रा को राजस्थान से बरामद कर लिया गया है और राजस्थान पुलिस की मदद भी नहीं ली गई है, यूपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वीडियो वायरल करके गुम हो गई थी छात्रा, चिन्मयानंद पर इसने गंभीर आरोप लगाया था और उसके बाद गुम हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली लड़की बरामद कर ली गई है, पीड़ित छात्रा को राजस्थान से बरामद किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान से बरामद तो किया गया है लेकिन राजस्थान पुलिस की मदद नहीं ली गई है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस लड़की को बरामद कर लिया है और जो चीजें थी वो क्लियर हो गई हैं। चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली लड़की बरामद की गई है। इस बीच बड़ी खबर है, पीड़ित छात्रा को राजस्थान से बरामद किया गया है, यूपी पुलिस की ये बड़ी, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बड़ी सफलता है। वीडियो वायरल करके ये अचानक गुम हो गई थी और लड़की के परिजन अपहरण की बात कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस इस एंगल पर काम नहीं कर रही थी, वो दूसरे एंगल पर काम कर रही थी और उसी दूसरे एंगल की वजह से आज उत्तर प्रदेश पुलिस को, यानी जब आप भारत समाचार देख रहे हैं अब से ठीक 20 मिनट पहले वो लड़की बरामद कर ली गई है और इस बात की जानकारी 3 मिनट पहले भारत समाचार पर ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने आपको लाइव दी है। भारत समाचार पर दोपहर की यह सबसे बड़ी खबर है, चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली लड़की बरामद कर ली गई है और इसे राजस्थान से बरामद किया गया है। असल में ये वीडियो वायरल करके गायब हो गई थी और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस लड़की को बरामद कर लिया है, यह बड़ी खबर है। तस्वीरों में जिन्हें आप देख रहे हैं चिन्मयानंद है, इन पर ही आरोप लगा था और उस लड़की को बरामद कर लिया गया है राजस्थान से। थोड़ी देर पहले ही भारत समाचार पर लाइव आपको इस बात की जानकारी डीजीपी ओपी सिंह ने आपको दी है। चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली लड़की को बरामद किया गया है। भारत समाचार पर इस बीच सबसे बड़ी खबर है और भारत समाचार पर थोड़ी देर पहले लाइव डीजीपी ओपी सिंह ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। बरामद करने में सफलता मिली और बिल्कुल यही वजह है कि दूसरे स्टेट की पुलिस भी इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस से लगातार सीख रही है और आपके जो पुराने अनुभव हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस को काम आ रहे हैं सर। एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं और इसके प्रोफेशनल एक्यूमेन के कारण और हमारे जो टीम वर्क है उस टीम वर्क के कारण ही हम लोग सफलता को पा पाए हैं। सर क्या राजस्थान पुलिस की भी मदद आपने ली थी? नहीं बिल्कुल नहीं, हमने राजस्थान पुलिस की नहीं, हमारी अपनी स्ट्रांग टीम थी जिसका एनालिसिस हम कर रहे थे और उसके बावजूद हमने अपने ढंग से और अपनी अपनी पूरी टीम वर्क के साथ हमने उस पर काम किया है। सर एक मतलब मैं बिल्कुल जो गोपनीय बात है वो नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन कोई एक बात जिससे आप तुरंत पहुंच गए हो जो दूसरे स्टेट की पुलिस भी जाने और समझे, कोई एक क्लू? देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को इंडिकेशंस मिल रहे थे। गुरुजी सर सामने आना चाहिए कहीं ना कहीं, जिस तरह आपको
तो आपने सुना डीजीपी ओपी सिंह ने आपको पूरी जानकारी दी कि किस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चूंकि लड़की की लोकेशन बार बार बदल रही थी, यानी वो राजस्थान में ही बार बार इधर उधर घूम रही थी, और उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरी तरह से इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि लड़की अपनी लोकेशन बदल रही है, और बाद में उसे बरामद कर लिया गया है। अंबेडकर नगर से